अंतरिम वेतन भुगतान की मांग को लेकर बाढ़ नगर परिषद में 22 दिनों से चली आ रही सफाई कर्मियों की हड़ताल आज खत्म हो गई है। एसडीएम कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य पार्षद और नगर प्रबंधक की मौजूदगी में हुई बातचीत के बाद सफाई कर्मियों ने अपना हड़ताल वापस ले लिया है। आपको बता दें कि पिछले 22 दिनों से सफाई कर्मी अपनी अंतरिम वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर अड़े हुए थे, जिसके कारण शहर की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। इलाके में कूड़ों की अंबार लग चुकी थी, लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया था। इस बीच दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। सफाई कर्मी जहां नगर परिषद की लापरवाही बता रहे थे, तो वही मुख्य पार्षद सफाई कर्मियों की मनमानी बता रहे थे। देखिए, हम लोग 4 बार प्रयास किए कि भाई नगर पालिका में जो स्ट्राइक चल रहा है उसको खत्म करें। जहां तक स्ट्राइक का विधि सम्मत होने की बात है, तो यह पूर्णतः विधि विरुद्ध है। न कोई इन्होंने लिख के दिया, न कुछ किया, बस स्ट्राइक पर चले गए। इन लोगों की जो दैनिक सफाई कर्मी है, उनकी मांग है कि 500 रुपया प्रतिदिन को के हिसाब से हम लोगों को मजदूरी मिले, जो कि हम लोग डेली वेजेज, जो मिनिमम वेजेज तय है सरकार के द्वारा, उसके आधार पर हम लोग देने के लिए बाध्यकारी हैं। उससे अधिक, इतना राशि अधिक बढ़ करके देना किसी भी संस्था के लिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कल की बातचीत के बाद सफाई कर्मियों ने अपना हड़ताल वापस ले लिया है। आज से सभी सफाई कर्मी काम पर लौट चुके हैं। 3 महीने का समय लिया, जो आपको अंतर वेतन है 3 महीने के बाद हम भुगतान करेंगे। जो सर्विस कटा है अंतर भी वो भी हम आपको दे रहे हैं, हिसाब दे रहे हैं। यह बात पर नगर परिषद को मान्यता किया है। सिटी मैनेजर चेयरमैन साहब स्टूडियो कोठी ने वार्ता हुआ, स्टूडियो कोठी से जवाब लेके उनके वहाँ वार्ता होके मिला के हड़ताल टूटा गया। फिलहाल सफाई कर्मियों का कहना है कि हमारी मांगों के निष्पादन के लिए 3 महीने का समय लिया गया है। अब देखना यह है कि नगर परिषद अपनी वादे पर कायम रहती है या दोबारा हड़ताल को आमंत्रित करती है।